नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। 75 पार नारे के साथ बीजेपी चुनावी बिगुल बजाकर चुनावी रण में उतर चुकी है। सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा रात्रि ठहराव के बाद आज दूसरे दिन के लिए रादौर विधानसभा की तरफ रवाना हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में 11 करोड़ की लागत वाली 3 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मीडिया से बात करते हुए हथनीकुंड से छोड़े गए पानी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। इसी के चलते जब रात 2 बजे यमुना के पास बसे इंद्री के गांव टापू में फंसे 9 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इस पर कल कालका मंदिर से शुरू करके और लगातार 8 सितंबर तक चलेगी। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी और जनता से आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग प्रदेश का पूरा नेतृत्व मेरे साथ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीनिवास राणा भी चल रहे हैं, संबंधित इलाकों के सांसद विधायक मंत्रीगण सभी साथ होते हैं। जनता से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं और जिस जिस स्थान पर जिला केंद्रों पर जहां पड़ाव होता है तो अगले दिन सुबह वहाँ के प्रमुख प्रोजेक्ट जितने हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास ये कार्यक्रम होता है। कल पूरा दिन की यात्रा समाप्त हुई, 6 विधानसभाओं में हमारा जाना हुआ। आज रात्रि को रात्रि रुकना हुआ था तो यमुनानगर जिले के जो प्रोजेक्ट उद्घाटन शिलान्यास के विषय पर सर 6 जिलों में कैसा अनुभव रहा जी? सभी विधानसभाओं में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उमड़े, कई जगह पर मुख्य कार्यक्रम थे, 5,000 8,000 10,000 लोग भी थे। कुछ जगह पर रास्ते में गाँव में लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत में भी मुख्य कार्यक्रम तो नहीं कह सकते लेकिन वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आते थे, कुछ वर्षा करते थे। कल 36 कार्यक्रम मेरे 6 विधानसभाओं में हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इन सब कार्यक्रमों में छोटे बड़े लगभग 1.5 लाख लोग इसके अंदर शामिल हुए। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।